प्रिंसेस ईएस की प्रिंसेस के किचन में एक बार फिर से आपका खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एग शामी बर्गर। गाइस इसके लिए हमें दो अंडे चाहिए होंगे जिनको हम फ्राई करेंगे। दो शामी कबाब ले लिए हैं, इसकी रेसिपी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ये गार्लिक योगर्ट मायो है, इसकी रेसिपी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ये हमने केचप ले ली है, ये हमने शिमला मिर्च जिसको हमने सिरका और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और ये वेजिटेबल ड्रेसिंग है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। इसमें हमने खीरा ले लिया था और बंद गोभी ले ली और दो बंद ले लिया हमने। चलिए हम अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इस पर हम तवा रख देते हैं। तवे के ऊपर हम ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे। ये हमने एक अंडा डाल दिया, अब हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे। हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर अपना बीट किया हुआ अंडा डाल देंगे। ये हम अपने शामी कबाब को एग में डिप करके तवे पे डाल देंगे। अब हमें दोनों को साइड पे रख देंगे, दरमियान से काट लेंगे। अब हम सैलेड ड्रेसिंग इसके ऊपर लगाएंगे। ऐड कर देंगे गार्लिक योगर्ट मायो, हम लगाएंगे शामी कबाब। ऊपर अपने सैलेड्स लगा देंगे। इसके ऊपर अब हम इसका फ्राई एग लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। इसके ऊपर मायो लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे। गरम कर लेंगे हम।
गाइज देखें हमारा यमी सा बर्गर तैयार हो चुका है। आप खुद भी बनाएं, खुद भी टेस्ट करें और अपने घर वालों को भी टेस्ट करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।